क्यों बंद हुआ यशोमती मैया के नंदलाल? Why यशोमती मैया के नंदलाल went off air? ये सवाल आप सभी मुझसे बहुत दिनों से पूछ रहे हैं और मैं इसका जवाब देना चाहता था, तो आज मैं ये व्लॉग लेकर आया हूं आप सबके लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर राहुल शर्मा। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया और शेयर किया और मेरे व्लॉग्स को बहुत सारा प्यार दिया। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी जर्नी में मेरे साथ थे शुरू से, उन सब के लिए मेरे दिल में एक खास जगह है, तो आप सबको दिल से शुक्रिया। चलिए विदाउट एनी डिले आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब ने शो को बहुत प्यार दिया, आप सब के प्यार की वजह से शो अच्छा ग्रो कर रहा था, टीआरपीज भी ऑलमोस्ट ठीक होने ही वाली थी कि अचानक से शो बंद हो गया। तो क्या कारण होता है एक शो के बंद होने का? जो सबसे पहला रीजन होता है, जो आप सब ने सही गेस किया था, तो रीजन नंबर वन, टीआरपी या रेटिंग्स। सो फर्स्ट रीजन इज टीआरपी और रेटिंग्स। अगर चैनल को रेटिंग्स नहीं मिलती हैं और वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं जो रेटिंग्स उससे आ रही हैं, तो वो सोचते हैं कि एक नया शो इसकी जगह पर लाकर एक अच्छी रेटिंग जनरेट की जाए और बिजनेस को बढ़ाया जाए। टोटली अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, और उसमें कुछ गलत नहीं है। सो यस, पहला रीजन है टीआरपीज। तो यशोमती मैया की नंदलाल की टीआरपीज आप बोलेंगे कि वो तो अच्छी ही चल रही थी, सोनी के सारे शोज की टीआरपी ऐसी ही है, 0.4 0.5 पर वो लोग बाकी के शोज भी चला रहे थे, तो वाई यशोमती मैया के नंदलाल, उसको क्यों हटाया? सो टीआरपीज, मैं अगर आपको बात करूं कि टीआरपी एक बहुत बड़ा रीजन नहीं था शो के ऑफ एयर जाने में, बिकॉज हमने स्टार्ट किया था 0.4 से, 0.4, 0.5, 0.6 और हम लोग बढ़ रहे थे धीरे धीरे, एक रफ्तार से, अपनी रफ्तार से। ऑलमोस्ट अगर हम लोग शो के पीक पर पहुंचते तो वो टीआरपी एक से भी ऊपर होती, पर किसी भी शो की टीआरपी को जज करने के लिए 3 से 6 महीने का समय चाहिए होता है, जो कि जनरली आज के टाइम पर शोज को नहीं मिलता। और वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बहुत सारे शोज़ लाइनअप होते हैं और चैनल के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता जब एक शो अच्छी टीआरपी जनरेट नहीं करता है तो। बट उन शोज़ को भी ऑफर कर दिया जाता है जो कि उन्हें कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते, विच विल ब्रिंग मी टू द सेकंड पॉइंट कि शो क्यों बंद हुआ, वो है कॉस्ट। यस, जो नॉर्मल शोज चैनल बनाता है उसकी कॉस्ट लो होती है, एक बहुत ही टाइट बजट होता है या मीडियम बजट होता है जिस पर वो शोज बनाए जाते हैं, और उसमें वो लोग अच्छी या डिसेंट टीआरपीज जनरेट करते हैं। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट माइथो एंड हिस्टोरिकल शोज, सो दे आर एक्सपेंसिव शोज, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसिव शोज देन यू एक्सपेक्ट रिजल्ट्स। सो ऐसा ही कुछ था यशोमती मैया के नंदलाल के साथ। यशोमती मैया के नंदलाल एक नॉर्मल शो नहीं था, वो एक कॉस्टली शो था जिसकी वजह से उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होने की वजह से टीआरपीज भी एक्सपेक्टेड थी कि वो बहुत सारी रेटिंग्स जनरेट करेगा, जो कि होने ही वाला था जब आप लोगों से कनेक्ट होने ही लगा था कि इतने ही दिनों में शो ऑफर हो गया, बिकॉज उसका कॉस्ट हाई था और प्रोडक्शन क्वालिटी, प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होने की वजह से उस शो को ऑफर करना पड़ा क्योंकि रेटिंग्स जनरेट नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से चैनल को वो प्रॉफिट नहीं हो रहा था। सो यस, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू पीपल आर थिंकिंग, आई एम थिंकिंग इट्स अबाउट बिजनेस, और उसमें वो गलत भी नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ अगर आपको पैसा या प्रॉफिट कमाकर नहीं दे रही है तो उस वक्त आप इमोशन से ज़्यादा अपने बिजनेस या अपनी चीज़ों को बचाने के बारे में सोचोगे, आप कभी भी लॉस में जाकर कोई चीज़ चला नहीं पाओगे, क्योंकि इमोशंस के साथ बिजनेस बहुत कम होते हैं और बहुत कम लोग कर पाते। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, विच वॉज अ मेजर पॉइंट, और ये ना मुझे पता होता है ना क्रू को पता होता है, ये सब बहुत ही सीक्रेटिव टॉक्स होती हैं। सो आई कॉल दिस थर्ड पॉइंट अननोन।
व्हाट इज अननोन? ये जो अननोन रीजन होता है, इसमें बहुत सारे रीजंस आ सकते हैं. मे बी कोई बड़ा शो आपके शो को रिप्लेस कर रहा हो, मे बी आपके प्रोड्यूसर और चैनल के बीच में कुछ बात हुई है जिसकी वजह से शो बंद हो रहा है. मे बी चैनल को कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव, कुछ ऐसी चीज़ आने वाली है जिसकी वजह से शो को वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं आगे रन करने का. सो ऐसे रीजंस के बारे में हम लोगों को इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि वो ज़रूरी नहीं होता. हमको बताया जाता है कि शो अभी बंद होने वाला है और हम उस बारे में कुछ नहीं कर सकते. इसलिए जब भी आप लोग ये कहते हैं कि सर शो वापस स्टार्ट कराइए, ट्रस्ट मी, अगर मेरे हाथ में हो मैं वापस शुरू करवा दूँ अभी, बट वो मेरे हाथ में नहीं होता. ये सबसे बड़ा फैसला होता है चैनल का, देन ये होता है प्रोड्यूसर का. अगर चैनल, प्रोड्यूसर्स, क्रिएटिव लोग अगर ये चाहें तो शायद ये चीज़ हो सकती थी. किसी भी शो के बंद होने के पीछे कोई भी कारण हो सकता है. वो कारण टीआरपी हो सकता है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट हो सकती है, वो हो सकता है कि चैनल और प्रोड्यूसर के बीच की कोई बात हो, हो सकता है कि कुछ नया डेवलपमेंट हो जिसकी वजह से वो शो ऑफर हो जाए. शायद कोई बड़ा शो आने वाला है उसकी वजह से उस शो को हटा दिया जाए. सो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं. सो वही चीज़ें जो मुझे पता है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ आज के ब्लॉग में, और बाकी रीजंस आई डोंट नो. आप ही की तरह मैं भी अनजान हूँ उन रीजंस से. सो ये थे वो सारे रीजंस जिसकी वजह से शो बंद हुआ या शो ऑफेयर हुआ. यशोमती मैया के नंदलाल एक बहुत ही प्यारा शो था, एक बहुत ही दिल के करीब वाला शो था, आप सबके भी, मेरे भी. पर अनफॉर्चुनेटली वो जर्नी उतनी ही रही. इट्स सैड बट समटाइम्स वी हैव टू मूव ऑन, और आगे बढ़ना होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते. सो ये थी कहानी यशोमती मैया के नंदलाल के बंद होने की. मैं जाने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे शोज़ इससे पहले वाले नहीं देखे उन लोगों को मैं कुछ शोज़ रिकमेंड करना चाहूँगा. पहला शो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा काल भैरव रहस्य, जो कि हॉटस्टार पर है. आप उसका सीज़न वन देख सकते हैं जिसमें मैं हूँ. यू विल लव इट. 153 एपिसोड की सीरीज़ है. यू विल डेफिनेटली लव इट. देन यू कैन वॉच मिटेगी लक्ष्मण रेखा, जो कि वूट पर है. उसके भी सारे एपिसोड्स आप देख सकते हैं. एंड इट्स ऑल्सो 130 एपिसोड्स एंड यू विल लव इट. थर्ड शो विच आई रिकमेंड इज प्यार की लुका छिपी, जो कि है, जो दंगल का ऑफिशियल अकाउंट है यूट्यूब का, उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं. सारे एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे. इट्स अगेन अ नाइस शो, यू विल लव इट. एंड माई मोस्ट फेवरेट शो एक रिश्ता ऐसा भी, जो अगेन सोनी पल यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, देखिएगा. दैट शो इज फेनोमिनल, ब्यूटिफुल, वन ऑफ द ब्यूटिफुल शो विच आई हैव डन टिल नाउ. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टूडेज व्लॉग. एंड अगले व्लॉग में मैं लेकर आऊँगा कि क्यों यशोमती मैया के नंदलाल शुरू होने से पहले ही बंद होने वाला था, एंड वाई आई वॉन्टेड टू लीव इट. सो बने रहिए मेरे साथ. मैं हूँ आपका अपना राहुल शर्मा. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल.